हरियाणा के पलवल में लूट और डकैती के एक आरोपी के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। आरोप है कि बदमाश ने एक सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा करके इस मकान को बनवाया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मकान को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन और पुलिस के कुछ अफसरों की मौजूदगी में देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक 2009 में बदमाश पर लूट और डकैती के दो अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे और उस पर 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। वहां एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे नाराज भीड़ ने हाईवे पर जैम लगा दिया और वहां से गुजर रहे 10 ट्रकों में आग लगा दी। सामने आए वीडियो में ट्रकों से निकल रही आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी और ट्रकों में आग लगने की वजह से निकल रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इस बवाल की जानकारी मिलने पर वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई।